इसके बाद आफ्टर डायगोनल मैट्रिक्स नेक्स्ट आता है, वो है कितना नंबर हुआ था, सिक्स, सेवेंथ वन, सेवन वन बोलेंगे अपन। ये है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ये क्या है भाई? तो जैसे कि रो मैट्रिक्स हमने देखा था, सेम मैनर में इसको भी डिफाइन करेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। रो मैट्रिक्स में क्या था, सिर्फ ओनली वन रो इज प्रेजेंट, कॉलम कैन बी वेरी, मतलब कॉलम वेरी हो सकता है बट जो रो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ये भी इसी तरह डिफाइंड होगा, थोड़ा सा चेंज है इसकी डेफिनेशन में, कि अ एम क्रॉस एन ऑर्डर मैट्रिक्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कंडीशन होगी इफ इफ आई, या फिर अपन बोल सकते हैं ऐसे, एम इज लेस देन एन, मतलब जो कॉलम होगा वो ज्यादा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए रो से। एम रिप्रेजेंट्स हियर रोज एंड एन रिप्रेजेंट्स हियर कॉलम। तो अ एम क्रॉस एन ऑर्डर मैट्रिक्स इज कॉल्ड हॉरिजेंटल मैट्रिक्स इफ एम इज लेस देन एन, एम इज लेस देन एन, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सिंपली कि यार एम जो है रो को रिप्रेजेंट करता है एंड कॉलम एन जो है कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो इफ एम इज लेस देन एन देन इट इज सेड टू बी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि एक मैट्रिक्स हमने लिया लाइक 2-7, 3, 4, 5, है ना, और 1। ये तो ये कैसा है, ऑर्डर क्या होगी इसकी, 2 क्रॉस 3। तो यहां देखें 2 रिप्रेजेंट कर रहा है एम को, एन रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है एन को। तो एम जो है लेस देन है एन, मतलब 2 इज लेस देन 3। अगर ऐसा हो तो अपन बोलेंगे उसको हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तो ये क्या कहलाएगी, ये जो एग्जाम्पल है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। तो हॉरिजेंटल इसे आप रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, बट ये नहीं आना चाहिए, एक ही रो आना चाहिए था, तो इसलिए मैं बोला कि रो से थोड़ा मिलता जुलता है हॉरिजेंटल का डेफिनेशन। तो इसमें सिंपल आप याद रखोगे कि एम क्रॉस एन ऑर्डर मैट्रिक्स को हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हम तभी बोलेंगे जब एम लेस देन एन हो। तो ये एग्जाम्पल आ गया। तो जैसे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हुआ तो वर्टिकल भी होना चाहिए, जैसे रो होता है तो कॉलम होता है। तो एट्थ वन आएगा नेक्स्ट, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो सेम डेफिनेशन, बस m लेस देन की जगह आ जाएगा m इज ग्रेटर देन n कंडीशन। अगर वैसे होगा तो वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे अपन। तो डेफिनेशन क्या आएगी भाई, कि अ m क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स इफ, कंडीशन आएगी एम ग्रेटर देन एन, मतलब जब वर्टिकल की बात करेंगे तो रो जो है बड़ा होना चाहिए। रो क्या आएगा, बड़ा, जैसे मैं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा था तो कॉलम जो था बड़ा हो रहा था। तो कंडीशन क्या आ गई कि एम ग्रेटर देन एन होना चाहिए। तो एग्जाम्पल क्या होगा, देखें एक मैट्रिक्स हमने लिया 1 7 √2 √3 √2 5 −4। इसकी ऑर्डर क्या होगी भाई, तो ऑर्डर 1 रो 2 रो 3, मतलब 3 रोज
एंड टू कॉलम्स। तो देखें ये m हो गया, ये n हो गया, मतलब m ग्रेटर देन n वाकई में है, मतलब 3 इज ग्रेटर देन 2 है, सो इट इज सेट टू बी वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई, एम क्रॉस एन ऑर्डर मैट्रिक्स इज सेट टू बी, और अपन बोल सकते हैं इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स इफ इट सेटिस्फाई द कंडीशन एम ग्रेटर देन एन, वेर एम इज द रोज एन रिप्रेजेंट, और एन रिप्रेजेंट करता है कॉलम। एग्जाम्पल है, देख ले यहां पे कॉलम दो ही है बट रो कितने हैं? तीन है। तो ये हो गया आर वन, ये हो गया आर टू, ये हो गया आर थ्री, ये सी वन सी टू। देखिए इसमें रो ज्यादा है, इसमें कॉलम कम है। इसमें देखें इसमें रो कम है और कॉलम ज्यादा है, इसे बोलेंगे अपन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसे बोलेंगे अपन वर्टिकल मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है। तो एट्थ के बाद आता है नाइन्थ वन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स के बाद स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? तो नेक्स्ट लिखें हेडिंग स्केलर मैट्रिक्स, नाइन्थ वन स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, बाद में आते हैं वो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा। स्केलर का मतलब होता है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, है ना, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मतलब कुछ भी, रूट टू, माइनस वन, माइनस आई, है ना, कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अपन स्केलर मैट्रिक्स को क्या डिफाइन करेंगे कि अ मैट्रिक्स हैविंग इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू अ कॉन्स्टेंट नंबर या फिर अ स्केलर वैल्यू। कौन से? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को अंडरलाइन करें। वो क्या बोल रहा है, वो इक्वल होने चाहिए किसी कांस्टेंट नंबर से, वो सेम होना चाहिए, अ कांस्टेंट मतलब सेम नंबर से स्केलर वैल्यू। तो एग्जांपल क्या आएगा भाई, एग्जांपल अपन डिफाइन करेंगे अ मैट्रिक्स हैविंग इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट नंबर, रेस्ट ऑफ देम सारे एलिमेंट्स क्या होंगे उसके अलावा, जीरो हो जाना चाहिए। तो अपन क्या बोलेंगे कि यार ये जो है ए हो सकता है, ए रिप्रेजेंट्स स्केलर हियर, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो सकते हैं, बाकी सारे जीरो। ये हो गया थ्री क्रॉस थ्री का मतलब, ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ये क्या बोल रहा है, एक कांस्टेंट नंबर हो, यहाँ पे ए रिप्रेजेंट किए हैं, आप ए की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, थ्री माइनस टू, है ना, इट इज कुछ भी एनीथिंग, मगर वो सेम होना चाहिए। बाकी रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स, रेस्ट ऑफ देम क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो, कंडीशन में लिख सकते हैं दैट इज कि ए आई जे स्टार करके लिख लें, ए आई जे इज इक्वल्स टू जीरो और आई नॉट इक्वल्स टू जे होना चाहिए। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, तो अपन बोलेंगे कि वो क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मीन्स कॉन्स्टेंट वैल्यू और सेम वैल्यू, ठीक है, ये सेम वैल्यू है, देखिए ए ए ए तीनों ए ए है, तो ए यहां पे सारे इक्वल है होने चाहिए। तो नोट, एक और नोट लिख लें, ए शुड बी सेम, ए शुड बी सेम, तो उसे बोलेंगे अपन स्केलर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं, एग्जांपल अगर क्लियर करना और अच्छे से, तो एग्जांपल एक और ले लें अपन, वो क्या हो जाएगा सिंपल कि एक मैट्रिक्स है, वो हो गया लाइक टू क्रॉस टू का, मैं लेता हूं वन माइनस वन और माइनस वन, ये जीरो, तो ये हो गया टू क्रॉस टू का। तो देखिए इसमें ये क्या है, सेम वैल्यू है, ए इक्वल्स टू यहां पे क्या है,
इक्वल्स टू माइनस वन है, यहां पे इक्वल्स टू माइनस वन मतलब कि स्केलर मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जिस जो मैट्रिक्स कंजिस्ट करता हो प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट सारे कांस्टेंट वैल्यू और सेम वैल्यू, रेस्ट ऑफ देम जीरो हो सकते हैं, तो उसे बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। आया समझ में? एग्जांपल लिख ले, ये लिखा हुआ ए इज इक्वल्स टू माइनस वन, नोट करिए तुम। तो लास्ट टॉपिक मैंने देखा स्केलर मैट्रिक्स, हम लोगों ने देखा स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में मैंने दो स्टार करके पॉइंट्स लिखवाए कि ए आई जे इज इक्वल्स टू जीरो हो और आई इज नॉट इक्वल्स टू जे हो, मतलब डायगनल एलिमेंट्स को छोड़ के, प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स छोड़ के सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए और प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट सारे क्या होने चाहिए, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होना चाहिए और सेम वैल्यू होना चाहिए, तो बोलेंगे अपन स्केलर मैट्रिक्स। इससे यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आफ्टर स्टडिंग ऑफ डायगनल एंड स्केलर या स्क्वायर मैट्रिक्स। क्वेश्चन ये है कि ऐसा मैं पूछूं कि यार डायगनल मैट्रिक्स को अपन स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं क्या, या फिर एक स्केलर मैट्रिक्स को डायगनल बोल सकते हैं, तो क्या आंसर होना चाहिए? तो ऐसा मतलब क्या, विच वन इज करेक्ट, डायगनल इज ए स्केलर और स्केलर इज डायगनल? तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि डायगनल मैट्रिक्स इज सेट टू बी, और डायगनल ध्यान देंगे, और डायगनल मैट्रिक्स इज सेट टू बी स्केलर, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायगनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं डायगनल मैट्रिक्स में, वन टू थ्री अलग अलग हो सकते हैं। तो राइट क्या होगा, तो ऐसा सही है उल्टा उसका, वाइस वर्सा, कि स्केलर मैट्रिक्स कैन बी अ डायगनल मैट्रिक्स। तो नोट में एक लिखे, इसके बाद नोट लिखिए एक, स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स बट वाइस वर्सा डज नॉट, मतलब उल्टा पॉसिबल नहीं है, डायगनल को अपन स्केलर नहीं बोल सकते हैं। क्यों भाई? तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि जैसे कि मैं बात करूं, एक ले लिया मैं सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स, है ना, टू टू टू, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो, है ना, तो बोल सकता हूं कि यहां पे ए जो है टू है, है ना, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है किसका, 3x3 ऑर्डर का। और तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैं डायगनल बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। डायगनल में ये कंडीशन नहीं है कि यार वो सब इक्वल ना हो, सब इक्वल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो अपन इसको बोल सकते हैं डायगनल। बट इसका उल्टा मतलब अगर डायगनल मैट्रिक्स दे रखा है तो ये क्या हो गया, एक स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स है या फिर डायगनल भी है, डायगनल स्केलर या फिर डायगनल बोथ। और नेक्स्ट एग्जांपल में बात करूं तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए, ए इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2, है ना, 6 0 0 0 0 0, तो ये होगा, ये भी 3x3 का मैंने ले लिया स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इट इज अ डायगनल मैट्रिक्स बट इट्स नॉट अ स्केलर, सो वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल, है ना, अ स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगनल मैट्रिक्स बट उसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। तो अपन बोलेंगे कि ये क्या है भाई, एक डायगनल है, डायगनल मैट्रिक्स है, स्केलर नहीं है, एक डायगनल है बट स्केलर नहीं है। तो इससे कंडीशन क्या आ सकती है भाई स्केलर की, तो कंडीशन आप लिख लें, कंडीशन फॉर स्केलर, तो मैं डिफाइन करता हूं कि यार ए आई जे इज इक्वल्स टू, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी किसी बुक्स में आप ऐसा ही पढ़ेंगे, बहुत इजी होता है ये, ए आई जे
के से रिप्रेजेंट करिए या फिर कोई भी लेटर ए से रिप्रेजेंट करिए, ये स्केलर वैल्यू को डिफाइन करती है। ये डिफाइन तभी होगा जब आई बराबर जे हो, रेस्ट ऑफ देम केसेस मतलब आई नॉट इक्वल्स टू जे होगा तो जीरो। तो इस कंडीशन को भी अगर डिफाइन करता है कोई मैट्रिक्स तो अपन बोलेंगे वो स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, दोनों डिफरेंट होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को अपन डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं बट डायगोनल को स्केलर नहीं बोल सकते। तो नेक्स्ट आता है इसके बाद 10th वन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी या फिर बोलते हैं इसको कभी कभी यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स, ये क्या चीज है भाई? तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये जस्ट लाइक स्केलर भी बोल सकते हो आप इसको, डायगनल भी बोल सकते हो। इसमें कंडीशन ये होती है कि प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स, जैसे नाम बोल रहा है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी, तो यूनिट रिप्रेजेंट्स यूनिटी वैल्यू वन, मतलब प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट सारे वन होने चाहिए और रेस्ट ऑफ देम एलिमेंट्स जीरो हो, तो क्या बोलेंगे उसको? यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन आएगी कि अ मैट्रिक्स या फिर बोलो आप अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल्स टू यूनिटी, यूनिटी मीन्स वन, वह होना चाहिए, एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कैन बी जीरो। रेस्ट ऑफ देम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। कैन नहीं, आप सुड ही रखो, कैन मैंने हो जाएगा सकना, नहीं बिल्कुल होना ही चाहिए तभी होगा, सुड बी जीरो। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स आप क्या होना चाहिए? यूनिटी होना चाहिए और उसके अलावा सारे जीरो होने चाहिए। तो एग्जांपल देखते हैं अपन, तो उसे बोलेंगे अपन यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल डायगोनल वन वन वन, बाकी सारे जीरो, तो हो गया जीरो। तो ये जैसे 3x3 का है, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स यहां पे क्या हो रहा है? सारे यूनिट वैल्यू दे रहे, मतलब वन वन वन। तो अगर मैं ऐसा बोलूं यहां पे कि यूनिट मैट्रिक्स को अपन स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है, या फिर यूनिट मैट्रिक्स को अपन डायगनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बट इसका उल्टा नहीं। अपन ये नहीं बोल सकते कि एक डायगनल मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स होगा, है ना? तो अपन क्या लिखेंगे यहां पर, मान लीजिए मैं नोट लिखना बताना चाहूं तो नोट ये होगा, नोट लिखो आप, नोट में आएगा अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स इज सेट टू बी अ स्केलर और डायगोनल नल मैट्रिक्स, बट वाइस वर्सा डज नॉट। मतलब उल्टा अपन नहीं बोल सकते कि यार डायगोनल यूनिट होंगे ही होंगे, है ना, स्केलर यूनिट होंगे ही होंगे, स्केलर में 2 2 2 भी हो सकता है, 3 3 3 भी हो सकता है, बट 1 1 तो नहीं होगा ऑलवेज।
तो अपन क्या बोलेंगे कि एक आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स स्केलर और डायगोनल हो सकते हैं बट उल्टा पॉसिबल नहीं है। तो इसकी भी कंडीशन आएगी जैसे स्केलर की आई, तो वो भी आप कंडीशन लिखो। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा कि ए आई जे तभी डिफाइंड होगा और उसकी वैल्यू 1 होगी जब आई बराबर जे हो, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा है, 1 1, 2 2, 3 3 पोजिशन वाले, आई जे बराबर होंगे तो वही होगा, तो वो वैल्यू 1 होने चाहिए, रेस्ट ऑफ देम आई नॉट इक्वल्स टू जे हो तो बोलेंगे 0। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन है आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स की। आया समझ में? कॉपी करिए हाथ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने अभी तक कितने देखे, 10 टाइप के मैट्रिक्सेस, 10 मैट्रिक्सेस देख लिए शुरू से। तो अब नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसे नाम से ही लग रहा है कि ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ट्रायंगल से बनना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी भाई कि अ मैट्रिक्स आप नाम भी दे सकते हैं ए आई जे, कोई भी ऑर्डर का, एम क्रॉस एन का, अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ अ मैट्रिक्स ए आई जे रिप्रेजेंट कर रहा है एम क्रॉस एन ऑर्डर को, इज सेट टू बी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ कंडीशन है इफ द अबव और बिलो, इफ अबव या बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू 0। डेफिनेशन क्या है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मतलब ये एक ऐसा मैट्रिक्स जिसे हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे जब वो कंडीशन सेटिस्फाई करे कि अबव और बिलो मतलब डायगोनल और किसके, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल जो एलिमेंट्स होता है, जैसे एग्जांपल मैं लूं ये 2 4 और -7, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल हुआ। तो इसके ऊपर वाले या फिर इसके नीचे वाले ये 0 हो या फिर ये 0 हो, ऐसा कंडीशन। तो या फिर मतलब और मैं दे रहा हूं यहां पे, और वर्ड आ रहा है यहां पे, और वर्ड मतलब या तो अबव ऊपर वाले 0 हो जाए, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 हो जाए, या फिर नीचे वाले सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए, ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, कोई भी 0 हो जाए तो बोलेंगे उसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां से इसके दो टाइप्स निकलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो क्या चीज है भाई? तो टाइप्स लिखेंगे आप नेक्स्ट, इसके टाइप्स, इट्स टाइप्स। सबसे पहला मैंने बोला अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या कि अपर पोजीशन ट्रायंगल शेप में बनना चाहिए, मतलब जो एक 3x3 या कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जांपल लेंगे अपन, तो जो अपर पोर्शन वाले प्रिंसिपल डायगोनल के अपर पोर्शन वाले वो ट्रायंगुलर शेप में बनना चाहिए, मतलब
उसके नीचे वाले क्या मतलब बिलो एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, तो डेफिनेशन इसकी आएगी अपर ट्रायंगुलर की कि अ मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन इज सेड टू बी एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ अपर ट्रायंगुलर इफ बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू जीरो। तो मैंने क्या बोला ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसे बोलते हैं, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले या फिर नीचे वाले सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं तो होते हैं ट्रायंगुलर। तो उसके टाइप्स क्या है, सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स एम क्रॉस एन का जो कि अपर ट्रायंगुलर कहलाएंगे अगर बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के बिलो नीचे वाले सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाएं तो उसे बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो एग्जांपल में क्या आएगा भाई, एग्जांपल होगा कि एक मैट्रिक्स मैंने लिया 7, 2, 4, -3, 5 और 1, ये 3x3 का ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, इनके बिलो ये सारे नीचे एलिमेंट्स क्या हो गए जीरो। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये देखिए ये एक ट्रायंगुलर शेप फॉर्म कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम आया ट्रायंगुलर। और अपर तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जीरो से ऊपर फॉर्म कर रहा है तो इसलिए नाम आ गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसकी एक कंडीशन भी आप याद कर सकते हो कि कंडीशन क्या होगी यार, जैसे स्केलर में देखे थे अपन, कंडीशन ये आएगी कि यार ए आई जे ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ए आई जे डिफाइंड हो एम क्रॉस एन से और उसके आई ग्रेटर देन जे हो तो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे वो जीरो हो जाएंगे। तो कंडीशन क्या याद रखना है आपको कि एक मैट्रिक्स एम क्रॉस एन का जब आई ग्रेटर देन जे हो तो अपन क्या बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहां देखें आप बिल्कुल हो रहा है, एकदम वैसे ही हो रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि एक मैट्रिक्स है ए आई जे 3x3 का जिसमें आई ग्रेटर मतलब इस पोजिशन के क्या होगा भाई वैल्यू ए 2 1, तो 2 आई ग्रेटर देन है 1 से जे से तो आई ग्रेटर देन जे वो वैल्यू क्या दे रहा है जीरो। तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यहां 3 1 भी है या फिर 3 2 बोल सकते हैं सारे, इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो या तो डेफिनेशन ऐसे बोले कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो, सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए जीरो हो जाए। या फिर अपन बोल सकते हैं वी सेटिस्फाई दिस कंडीशन ऑल्सो नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए टाइप, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो कि वो बिल्कुल उल्टा है, उसमें क्या होगा अबाउ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एंड कंडीशन जे इज ग्रेटर देन आई। तो इतना कॉपी करें, नेक्स्ट अपन देखेंगे बी।